अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर व्याप्त है यह जग जाहिर है। इसी बेरोजगारी के चलते कई नौजवानों ने पैसे कमाने की लालच में गलत रास्ते अपना लिए, जो अब कई वारदातों को जन्म दे रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात से पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र में तीन आरोपियों ने लूट के इरादे से एक निर्दोष से रुपए मांगे और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल 30 जून की रात संतोष चराल निवासी लालेपुर थाना सानौदा अपने भतीजे अभिषेक के साथ बीना में रिश्तेदारों के घर बेटी की शादी का कार्ड देकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बहेरिया ब्रिज के पास अज्ञात तीन बदमाशों ने चाकू मारकर संतोष की हत्या कर दी। बेटी की शादी के पहले पिता की हत्या से खुशियों से भरे घर में मातम पसर गया। मामले में पुलिस ने हत्या, लूटपाट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में हत्या के आरोपी देवी उर्फ देवेंद्र निवासी केसली, नीरज कोरी निवासी पंतनगर वार्ड और कमलेश पटेल निवासी केरवना को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात में उपयोग की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। बता दें कि वारदात के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सातिर बदमाश हैं। यह अक्सर राहगीरों से मारपीट कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके खिलाफ सागर सहित दमोह जिले में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाइक सवार संतोष अपने भतीजे अभिषेक के साथ जा रहा था। इसी दौरान बहेरिया ब्रिज के पास अंधेरे में लूट के इरादे से दोनों को रोका। रोकने के बाद संतोष से पैसे मांगे और जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया गया कि मृतक संतोष चराड़ की बेटी की 2 जुलाई को शादी होना थी। शादी के चलते वह रिश्तेदारों में कार्ड बांटने के लिए गया था। इसी दौरान लौटते समय उसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।